सब्सक्राइब कीजिए क्रेडो स्क्रैच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश टेक वीडियो में, और आज हम आपके लिए लेके आए काफी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है हवावी की तरफ से। हवावी ने कह दिया है कि कंफर्म कर दिया है कि जो उसका फर्स्ट फोल्डेबल फोन होगा वही उसका फर्स्ट 5G फोन भी होगा। अब ये है थोड़ी कमाल की बात, क्योंकि भाई हवावी और सैमसंग के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन हमेशा से चलता आया है कि कौन सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन देगा। अब हवावी ने यहाँ तक कह दिया कि वो फोल्डेबल तो हो गई होगा पर वो फर्स्ट 5G फोन भी होगा। तो ये होगा बहुत तगड़ी स्पीड के साथ एक बहुत ही नायाब सा फोन। अब देखते हैं यार सैमसंग क्या रिएक्शन देता है इसके ऊपर। और साथ ही साथ हवावी ने तो ये भी कह दिया कि ये आएगा 2019 के मिड तक। और एक और बात जो सबसे खास है वो ये है कि जो हवावी का सब ब्रांड है ऑनर, वो भी 5G फोन के ऊपर, मतलब उसके ऊपर भी काम चल रहा है 5G फोन रिलीज करने के अंदर। यानी कि अब आपको 5G जो है वो हवावी और ऑनर के अंदर सबसे पहले देखने को मिल सकता है। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है म्यूजिक स्ट्रीमिंग की तरफ से, जो कि बन चुकी है 75% ऑफ ऑल इंडस्ट्री रिवेन्यू। यानी कि फर्स्ट हाफ जो है वो निकल चुका है साल का, और जो RIAA है यानी कि रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, उसने ये चीज इश्यू कर दी कि भाई पहले 6 महीने की रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि जो रेवेन्यू है वो 10% से बढ़ चुका है। यानी कि पहले था $4.2 बिलियन और अब ये है $4.6 बिलियन। यानी कि भाई जो मोस्टली है वो भाई एक्सपांडिंग स्ट्रीम सर्विसेज जो है उनकी वजह से हो रहा है, और उसके अंदर जो है पेइंग सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। तो ये है कुछ कमाल की बात। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारी एप्पल की तरफ से, जो कि एक काफी फनी अपडेट, क्योंकि एप्पल ने जैसे मेंशन किया था कि भाई इस साल एयर पावर चार्जिंग मैट आने वाला है जिससे भाई आप चार्ज कर पाओगे अपने आईफोन एप्पल वॉच एयरपोर्ट्स को, वो भाई इस साल रिलीज होने वाले थे जैसे, तो वो इस साल रिलीज नहीं हो रहे। अब ये बात कैसे पता लगी? पता लगी जब उन्होंने पूरी कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया इस चीज को अपनी वेबसाइट से। अब बट एक बात है भाई, हर जगह से आप अपने ट्रेसेस नहीं हटा सकते। मतलब कि जो आईफोन XS है जो कि आज रिलीज हुआ, उसकी जो मैनुअल थी, जो मैक्स की मैनुअल थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैसे यूज करते हैं एयर पावर QI सर्टिफाइड चार्जर को। बट बस प्रॉब्लम ये है, उसे आप इस साल खरीद नहीं सकते। मतलब ये काफी अजीब सी बात है कि भाई वो भूल गया कि मैनुअल से भी ये चीज हटानी, या फिर कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हुआ है यार, लेकिन बहुत गलत हुआ है खैर। और काफी फनी मूवमेंट भी है, क्योंकि भाई मैनुअल के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए कैसे यूज कर सकते हैं लेकिन आप उसे खरीद नहीं सकते। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और बढ़ने से पहले यार कमेंट करके मुझे बताओ इसके बारे में आपका क्या कहना है। खैर बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारी गूगल को लेके। गूगल लॉन्च कर सकता है अक्टूबर में पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल के साथ अपने अपकमिंग टैबलेट को, जिसका नाम है, मतलब जिसे कहते हैं जनरली पिक्सल बुक टैबलेट सरफेस, और इसका जो नाम है वो ये है नॉकटर्न, और साथ साथ ये है क्रोम OS पावर डिवाइस। अब भाई जिन लोगों को हैरानी है काफी कैसा दिखता है, तो आप उसकी फोटोज जो है वो स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो इस तरीके का कुछ ये दिखने वाला है। इसके बारे में काफी सारे रूमर्स तो पहले थे, पर अब इसके बारे में काफी सारी डिटेल्स, जो करेक्ट डिटेल्स है वो आ रही है निकल के। खैर इसके बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको, जो भी कुछ है मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, पर तब तक के लिए ये हो सकता है लॉन्च, तो इसके लिए भी तैयार हो जाइए। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारी शाओमी को लेकर। शाओमी ने अनाउंस कर दिया अपना रेडमी वाई 2 ब्लू और ब्लैक कलर में। यानी कि जब आपको पता है यार ये अनाउंस हुआ था मई में S2 के नाम से, यानी कि रेडमी S2 के नाम से, और फिर बाद में इंडिया के अंदर आया जिसका उसका नाम पड़ गया रेडमी वाई 2। ये आया था गोल्ड, रोज गोल्ड, डार्क ग्रे कलर के अंदर, बट अब ये लॉन्च हो चुका है ब्लू और स्टनिंग ब्लैक के अंदर। तो ये काफी अच्छी बात है यार, अगर आपको ब्लू और स्टनिंग ब्लैक पसंद है तो ये भैया फोन आपके लिए। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मेरी नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम ने ऐड कर दिया GIF यानी कि गिव फाइल सपोर्ट टू इट्स डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट मैसेज प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप किसी को डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप यूज कर सकते हैं आप गिफ्ट फाइल को भी। अब जैसे कि यार आपको पता है व्हाट्सअप, टेलीग्राम या फिर मैं कहूँ फेसबुक मैसेंजर, ये सब ऑलरेडी एक एप्स हैं जिनके थ्रू आप गेम्स भेज सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं, स्टिकर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ में तो आप पेमेंट्स भी भेज सकते हैं। तो यार अब जो ये ऐप्स है लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्रम्बल, ये भी कुछ फीचर्स यार ऐड कर रहे हैं ताकि यार इन पे भी थोड़ा जो है वो बढ़े यार, क्या बोलते हैं उसे, ऑडियंस बढ़े इनकी भी, तो ये अच्छी बात है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बारे में आपको क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उस समय जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है ASUS ROG फोन को लेके, जो कि भाई शुरू हो सकती है जिसकी शिपिंग
अक्टूबर, मतलब लास्ट अक्टूबर तक। अब भाई मेन बात ये है, ये फोन जो है अनाउंस कर दिया गया था अर्ली जून में, बट 4 महीने बाद तक आप एक भी फोन नहीं खरीद सकते। बट ये फाइनली चेंज हो रहा है और बहुत ही जल्द आपके हाथों में देखने को मिल सकता है Asus का ROG फोन। और जिन लोगों को नहीं पता है भाई ये कौन सा फोन है, तो मेनली बेसिकली एक गेमिंग फोन है और इसकी जो बाकी डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा एक इंडिविजुअल वीडियो में, उसका लिंक तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर इस वीडियो को लास्ट में आपको शो भी कर सकता है। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो समझिए नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है टेस्ला को लेकर। टेस्ला मॉडल 3 जो कि है उसे मिल चुके हैं 5 स्टार्स ऑटो सेफ्टी एजेंसी के द्वारा, US की ऑटो सेफ्टी एजेंसी जो कि भाई ये सब देखती है भाई, ये टेस्ट वगैरह करती रहती है। अब मेन बात ये जो टेस्ला का मॉडल 3 सेडान है उसमें 5 रेटिंग मिली है सेफ्टी के मामले में। अब भाई मेन चीज तो एक सेफ्टी को भी एक तरफ रखे अगर हम लोग, मेन बात आती है यार ये बैटरी कलर से, मेनली बैटरी कलर से। अब भाई इनसे ना कोई पॉल्यूशन होता है, सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छी है, तो यार ऑब्वियसली दीज आर द बेस्ट कार्स टू बाय। बट बस वेट कर रहे हैं भाई इंडिया में कब आए इलन मस्क, भाई क्या कर रहे हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो समझे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, वो है काफी इंटरेस्टिंग अपडेट, क्योंकि भाई स्मार्ट होम का सपना धीरे धीरे पूरा कर रहा है अमेजोन भी। यानी कि भाई अमेजोन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एक माइक्रोवेव जो कि अंडरस्टैंड करेगा, जो कि समझेगा एलेक्सा की कमांड्स को। यानी कि भाई अपने एलेक्सा को कहा यार जो सूप है उसे हीट कर दो मेरे लिए, तो वो हीट कर देगा, यानी कि आपको खड़े होकर जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये है बहुत ही कमाल की बात, क्योंकि अब आप बोल सकते हो एलेक्सा माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, यानी कि भाई वो बनाएगी पॉपकॉर्न्स को। यानी काफी चीजें हैं यार, अब आपको हाथों का यूज करने की जरूरत नहीं, AI काफी आगे बढ़ चुकी है। खैर आपका क्या कहना है इस माइक्रोवेव को लेके मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स करके। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सिक्योरिटी को लेके। मतलब भाई अमेजोन ने अभी अनाउंस कर दिया है एलेक्सा में एलेक्सा गार्ड मोड को, या फिर भाई कह सकते हैं ये पहले भी लॉन्च हो चुका था मुझे पता है गार्ड मोड के नाम पर, या फिर मैं कहूँ एलेक्सा गार्ड के नाम पर। बट अब मेन चीज ये आ चुकी है, इसने बना लिया है एक रिंग स्टिकअप कैम, यानी कि आपके घर के चारों तरफ रहेंगे कैमरे ये सब सिक्योरिटी के लिए। अब भाई आप इन केस आपके घर में होती है रॉबरी फायर या कुछ भी, ये आपको अलार्म कर देगी। ये काफी अच्छी बात है यार, अमेजोन जो है जिसकी एलेक्सा है वो काफी ही ज्यादा एडवांस है और मेरे को पसंद है यार, पर्सनली पसंद है एलेक्सा। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अमेजोन को लेके, या फिर मैं कहूँ हमारी लास्ट अपडेट भी अमेजोन को लेके ही है कि भाई अमेजोन ने खोल दिए ऑफलाइन रिटेल इंडिया में बहुत ही ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से काफी सारे ऑफलाइन अमेजोन स्टोर्स भी खुल रहे हैं। भाई जिन लोगों को पसंद है भाई ये महंगा सामान है ऑनलाइन नहीं लेंगे ऑफलाइन ही लेंगे, तो भाई उनके लिए खुल चुके हैं अमेजोन स्टोर। अब जाइए सीधे सीधे ऑफलाइन स्टोर्स पर और खरीद लीजिए जो आपको पसंद है। मतलब भाई अब क्या गए इंडिया में भी ये बहुत जरूरी था और ये आ भी चुका है, यानी कि अब अमेजोन पूरे तरीके से इंडिया पे छा रहा है। खैर आपका क्या कहना है भाई, अमेजोन से आप ऑफलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर ऑनलाइन, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट करके। खैर बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे यार आपके साथ क्या चल रहा है, आपके साथ क्या यार इस दुनिया में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ गुड बाय टेक केयर सो सम बी काइंड टू वन अदर।